हमीरपुर के अमर शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमीरपुर की NSUI इकाई और स्थानीय लोगों द्वारा अमर शहीद कैप्टन मृदुल स्मारक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजन से पहले अमर शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा स्मारक की साफ सफाई की गई, जिसके उपरांत स्थानीय लोगों व NSUI इकाई के द्वारा अमर शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा की मूर्ति पर फूल मालाएं चढ़ाकर पर उनके सम्मान में नारे लगाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हमीरपुर के अमर शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमीरपुर के NSUI इकाई और स्थानीय लोगों द्वारा अमर शहीद कैप्टन मृदुल स्मारक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजन से पहले अमर शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा स्मारक की साफ सफाई की गई, जिसके उपरांत स्थानीय लोगों व NSUI इकाई के द्वारा अमर शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा की मूर्ति पर फूल मालाएं चढ़ाकर व उनके सम्मान में नारे लगाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। NSUI इकाई के अध्यक्ष टोनी ठाकुर ने बताया कि आज हमीरपुर के अमर शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा का जन्म दिवस है, जिसको लेकर NSUI इकाई व स्थानीय लोगों के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया गया। व कार्यक्रम से पहले स्मारक व शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा की मूर्ति को साफ किया गया और उसके उपरांत शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा की मूर्ति पर फूल मालाएं अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने प्रशासन से उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में प्रशासन वीर सैनिकों के सम्मान में एक भव्य स्मारक की स्थापना करेगा। आप सभी को ज्ञात है कि आज वीरभूमि हिमाचल के वीरभूमि हमीरपुर के जो वीर पुत्र हैं कैप्टन मृदुल शर्मा जी, उनका जन्मदिन था और NSUI हमीरपुर ने और यहाँ के स्थानीय साथियों ने हमारे यहाँ मिलकर आज एक कार्यक्रम करने की योजना बनाई। और जैसे हम लोग यहाँ पे आए तो पहले तो स्मारक का बहुत बुरा हाल था, आप लोगों ने भी देखा कि यहाँ पे धूल इतनी जमी हुई थी और इतना बुरा हाल था, तो हमारे साथियों ने यहाँ पे आके जो है वो साफ सफाई की और यहाँ पर जो अमर शहीद हैं हमीरपुर की शान है उनको जो है उनके जन्म दिवस के ऊपर फूल मालाएं अर्पण करके तथा उनके सम्मान में नारे लगा के, क्योंकि जाने वाले वीर सैनिक तो जा चुके हैं, हम लोग सिर्फ उनको श्रद्धांजलि ही दे सकते हैं नारों के माध्यम से और छोटे मोटे कार्यक्रमों के माध्यम से उनको जो है वो याद रख सकते हैं। और मैं प्रशासन से भी उम्मीद करता हूँ कि इस जो वीरभूमि जो है यहाँ पर उन्होंने एक शहीद स्मारक बनाने का जो था वो माननीय सांसद महोदय ने प्रस्ताव डाला था, लेकिन वो अभी तक धरातल पे नहीं उतर पाया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वर्ष तक वो एक भव्य जो है वो वीर स्मारक सैनिकों को जो है वो समर्पित करेंगे, ताकि जो वीरभूमि हमीरपुर है, वीरभूमि हिमाचल है, उसका नाम पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्वभर में यूं ही जो है वो विश्व के सबसे ऊपर की ऊंचाइयों में यूं ही जगमगाता रहे। धन्यवाद। जय हिंद। तिरंगा। कार्यक्रम में वक्त चला, एक छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।